मैं जय निवास टाइम्स लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। एक बार पुनः मैं नवश्री धार्मिक लीला कमेटी की प्रांगण में आ चुका हूं, जहां अभी कुछ वक्त पहले भूमि पूजन हुआ और आपके स्क्रीन पर एक और शख्सियत आने वाले हैं जिसको हम लीला निदेशक कहते हैं, उन्हें अमितोष जी के नाम से जानते हैं। इस बार कोरोना काल के लंबे अंतराल के बाद क्या कुछ नया करेंगे और किस तरह से कलाकारों को तैयार करेंगे, आइए हम उनसे ही जानते हैं। सबसे पहले दर्शकों को सब अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अमितोष पंडित है, मैं रघुवंश सांस्कृतिक मंच मुरादाबाद का डायरेक्टर हूं और हमारी जो ये थिएटर कंपनी है ये पूरी इसमें लगभग 120 आर्टिस्ट हैं और विभिन्न जगह दिल्ली में हमारा प्रदर्शन होता है। हमारी टीम इस वर्ष लाल किले में तो प्रत्येक वर्ष करती है, नवश्री धार्मिक लीला कमेटी के आयोजन में, और पीतमपुरा रामलखन धार्मिक सभा में करती है, और इस वर्ष हमारी टीम से एक नोएडा का श्री राम मित्र मंडली के नाम से हो रहा है, वहाँ भी हम करते हैं। तो इस वर्ष विशेषता तो यह है कि हमारे जीवन काल में ये अमृत महोत्सव जो 75वीं जो वर्ष है आज़ादी के बाद का, ये हम लोगों के जीवन में आया है और 100वां वर्ष आए ना आए पता नहीं, ये तो राम जाने, लेकिन हम इस वर्ष की जो रामलीला है जो कि 2 साल के कोरोना काल के बाद हो रही है, हालांकि हमारा नवश्री धार्मिक लीला का जो रथ है, जो प्रदर्शन रथ है, किसी साल नहीं रुका। हमने गत कोरोना काल लॉकडाउन में भी किसी न किसी रूप में रामलीला का प्रदर्शन किया और इस वर्ष जो करेंगे, पिछले 2 वर्षों का जो एनर्जी कलाकारों में स्टोर्ड है हो गई है, वो सारी की सारी हम अपने टैलेंट से, हम अपने पूरे मनोयोग से, मनोबल से इसको बहुत अच्छा करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस साल की विशेषता यही है कि हमारी जो रामलीला है वो राष्ट्र समर्पित रामलीला के नाम से जानी जाएगी। राष्ट्र समर्पित का मतलब हुआ कि जितने भी हमारे मुख्य कलाकार हैं वो सभी कलाकार कहीं ना कहीं राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से प्रभावित दिखाई देंगे। हमारी वेशभूषा, हमारी जो लाइटिंग है, हमारा जो प्रांगण है, रामलीला ग्राउंड की जो सजावट है, वो सब कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मॉन्यूमेंट से सुसज्जित नज़र आएंगे। मंच पे भी आपको दरबार पे बैठने के लिए कहीं ना कहीं हम अशोक की लाल का कोई प्रतिबिंब लेंगे, इंडिया गेट को हम कहीं देंगे, उसके ऊपर गणेश जी राष्ट्रीय ध्वज लिए हुए पूरे राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हम राष्ट्र को समर्पित रामलीला करने का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हर बार लीला अपने आप में एक रूपता लिए होता है, इस बार का प्रतीक जैसे राष्ट्रध्वज कहा है, शुरुआत अमृत महोत्सव के इस वर्ष में क्या 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 उसमें आप रंग देंगे? सारा ट्राई कलर है और राष्ट्रीय भक्ति भावना से ओतप्रोत रहेगी। हमारे बीच के प्रसंग भी कहीं ना कहीं राष्ट्र को समर्पित होंगे, जैसे वेशभूषा हो गई, प्रांगण की सज्जा हो गई, लाइट एंड साउंड लाइट भी हो गई, वो सब कहीं ना कहीं हमें अमृत महोत्सव मनाते हुए आपको दिखाई दे। तो देशभक्ति अमृत महोत्सव की झलक अब धार्मिक लीला रामलीला नवश्री धार्मिक लीला के मंच पर भी दिखने वाला है। दर्शकगण आप एक बार पुनः तैयार हो जाइए। दिल्ली से जय निवास की यह रिपोर्ट। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।